देश नहीं मिटने दूंगा। हनुमान जी का
सहयोग प्राप्त हुआ था और आज इसीलिए मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। जैसे श्री हनुमान जी ने रावण की लंका में जाकर के रावण के सभी अधर्म के कार्यों को समाप्त करने में योगदान दिया था, ऐसे ही आप सभी कर्नाटक के राष्ट्रभक्त कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा जो अधर्म के कार्य पीएफआई को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ संगठित होकर के डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट को पुनः कर्नाटक के अंदर लेकर के आना है। भाइयों बहनों, आपका उत्साह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि कर्नाटक के अंदर येदियुरप्पा जी के मार्गदर्शन में श्री बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में फिर से डबल इंजन की सरकार आने से कोई रोक नहीं सकता है। आज जब भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनकर के उभरा है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब आज भारत वैश्विक ताकत बन रहा है, भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, एक कहीं हाईवे, रेलवे, वाटरवे, मेट्रो, रैपिड रेल, आईआईटी, आईएम, ये भारत के विकास की नई तस्वीर को प्रस्तुत कर रहा है और कर्नाटक का भारत को आईटी के क्षेत्र में आईटी स्किल के हब के रूप में स्थापित करने में कर्नाटक ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। भाइयों बहनों, जैसे कर्नाटक भारत के विकास